Hello students, welcome to my class. This is exercise 8.4, chapter 8, geometrical concepts. चलिए हम start करते हैं. First question is write all the name of the following triangles in all order. कुछ triangles आपको दिए हैं, उनका नाम आपने लिखना है हर order में. देखिए triangle क्या है, जो तीन line segment से मिलके बनी हुई figure है, तीन sides हैं, तीन vertices हैं, तीन angles हैं उसके अंदर. देखिए इसका नाम लिखने के लिए हम इसको लिख सकते हैं ए बी सी, या फिर हम बी से भी शुरू कर सकते हैं बी सी ए, या फिर सी से भी शुरू कर सकते हैं सी ए बी. देन अगर हमने ए से स्टार्ट किया था बी, उसको उल्टा भी कर सकते हैं. तो इन एनी ऑर्डर यू कैन राइट द नेम, वी कैन राइट द नेम ऑफ दिस ट्राइंगल इन सिक्स पॉसिबल वेज. देखिए कौन कौन से हैं, ए बी सी, ट्राइंगल ए सी बी, ट्राइंगल बी सी ए, ट्राइंगल सी बी ए, ट्राइंगल सी ए बी, ट्राइंगल बी ए सी. इन सिक्स पॉसिबल वेज यू कैन राइट द नेम. अगला है एक्स वाई जेड, नेक्स्ट है एल एम एन. सो यू कैन राइट द नेम इन एनी ऑर्डर. ट्राइंगल को सिक्स वेज में रिप्रेजेंट किया जा सकता है. मैंने ये आपके लिए लिख के रखा है, यू कैन सी दिस. देखिए ट्राइंगल ए बी सी, ए सी बी, बी सी ए, सी बी ए, सी ए बी, बी ए सी. हर पॉसिबल वे में आप इसका नाम लिख सकते हैं. देन एक्स वाई जेड था, आप वाई से भी स्टार्ट कर सकते थे, वाई को लेके एक्स सेंटर में एंड देन जेड, वाई को लेके जेड सेंटर में एंड देन एक्स. इस तरह से आप इसको सिक्स वेज में लिख सकते हैं. सेम एल एम एन के लिए भी किया जाएगा. क्वेश्चन नंबर टू इज राइट द नेम ऑफ वर्टिसेस साइड्स एंड एंगल्स ऑफ द फॉलोइंग ट्राइंगल. आपको कुछ ट्राइंगल्स दिए हैं, उनकी वर्टिसेस भी बतानी है, उनकी साइड्स के नाम भी लिखने हैं और उनके एंगल्स के नाम भी लिखने हैं. सो फर्स्ट देखिए इसमें वर्टिसेस क्या आएंगी, पी क्यू आर. साइड्स क्या आएंगी, पी क्यू क्यू आर आर पी. एंड एंगल्स का नाम आप सीधा लिख सकते हैं, एंगल पी, एंगल क्यू, एंगल आर. सेम वे यहाँ पे वर्टिसेस डी ई एफ, साइड्स डी ई, ई एफ एंड एफ डी, एंड एंगल्स एंगल डी, एंगल ई, एंगल एफ, या फिर पूरा पूरा नाम भी लिख सकते हैं जिस तरह से मैंने आपको सिखाया. सेम यहाँ पे, सो दिस इज़ ए चार्ट लाइक प्रिपरेशन, चार्ट बन जाएगा एक, आप उसमें ऐसे लिख सकते हैं. लुक एट दिस, वर्टिसेस साइड्स एंगल्स, पी क्यू आर पहले की वर्टिसेस, दूसरे की हैं डी ई एफ, तीसरे की हैं टी पी एस, थ्री पार्ट्स. देन दीज आर साइड्स एंड दीज आर एंगल्स. यू कैन राइट इट इन दिस वे. क्वेश्चन नंबर थ्री, इन द गिवन फिगर नेम द पॉइंट्स दैट लाई. अगेन सेम क्वेश्चन, एक ट्राइंगल गिवन है, कुछ पॉइंट्स उसके अंदर हैं, कुछ उसके बाहर हैं, कुछ उसकी बाउंड्री पे हैं. तो फर्स्ट इज ऑन द बाउंड्री. आप बाउंड्री पे देखिए जी ए ई सी एंड एम. सो जी ए E, C and M, these are lying on the boundary. So in the interior of G, E, M, interior में देखिए P है, X है, D है. So this is P, X, D. And in the exterior, exterior बाहर देखिए क्या है, Y है and B है. This is Y and this is B. इनके अलावा कुछ और भी points आपको दिए हुए हो सकते हैं, बस आपने just figure को देखना है. और जो इस region से बाहर हैं they are in the exterior, जो इसके अंदर हैं they are in the interior, and those who are lie on the, that are on the boundary. Question number 4 is in the given figure write the name of ऑल डिफरेंट ट्राइंगल्स. यहाँ पे देखिए आपको कितने सारे ट्राइंगल्स दिख रहे हैं, पहले आप चेक कीजिए आपको कितने ट्राइंगल्स दिख रहे हैं. ये वन है, ये टू है, ये थ्री है, ये फोर है, उसके बाद एक ये ऐसे फाइव, एक यहाँ से सिक्स, इसी तरह से वन फ्रॉम हेयर एंड वन फ्रॉम हेयर. जिसमें बेस ए बी होगी वो दो होंगे, और जिसमें बेस डी सी होगी वो दो होंगे. तो ऑल द डिफरेंट ट्राइंगल्स, कौन कौन से ट्राइंगल बन रहे हैं, देखिए चार तो आपको बिल्कुल सीधे सामने दिख रहे हैं, ए ओ डी ट्राइंगल, ए ओ बी, बी ओ सी एंड सी ओ डी, एंड आफ्टर दैट दिस ए बी सी, ए बी डी, यहाँ से डी सी ए एंड डी सी बी. हेयर आर एट ट्राइंगल्स यू कैन सी. ट्राइंगल हैविंग ओ एज वर्टेक्स, जिनकी वर्टेक्स ओ है वो कौन से हैं, ए ओ डी, ए ओ बी, बी ओ सी एंड सी ओ डी. एंड ट्राइंगल हैविंग ए एज वर्टेक्स, जिनकी ए वर्टेक्स है, ए वर्टेक्स वाले देखिए
एक तो ए ओ बी है, एक डी ए ओ है, एक डी ए बी है, तो तीन एंगल जो हैं वो यहाँ बन रहे हैं. सो आई हैव रिटन दिस फॉर यू. फर्स्ट का आंसर है ट्राइंगल ए ओ डी डी ओ सी, जो मैंने अभी आपको बोल के बताया. यू हैव टू राइट इट इन दिस वे. सेकेंड पार्ट का आंसर जिसमें ओ वर्टेक्स कॉमन है, ए ओ डी डी ओ सी बी ओ सी एंड ए ओ बी. और थर्ड पार्ट जिसमें कि ए वर्टेक्स कॉमन है, दैट इज ट्राइंगल ए ओ डी ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल ए डी बी. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5, फिल इन द ब्लैंक्स. ए ट्राइंगल हैज, ट्राइंगल की कितनी वर्टिसेस हैं, हमें अभी हमने पढ़ा 3 वर्टिसेस. ए ट्राइंगल हैज 3 एंगल्स, अ ट्राइंगल हैज 3 साइड्स एंड ए ट्राइंगल डिवाइड द प्लेन इंटू 3 पार्ट्स. कैसे 3 पार्ट्स? इंटीरियर, एक्सटीरियर एंड ऑन द बाउंड्री. अ ट्राइंगल हैज 6 पार्ट्स. एक ट्राइंगल के 6 पार्ट्स होते हैं, उसकी 3 वर्टिसेस होती हैं और 3 एंगल्स होते हैं. सो दिस इज ऑल अबाउट दिस एक्सरसाइज. आई होप यू हैव गॉट इट. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. थैंक्स अ लॉट.